Swayam Prabha, Digital India, Educated India. ओके स्टूडेंट्स माई नेम इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ दिस इज माई फोर्टीन लेक्चर ये मेरा फोर्टींथ लेक्चर है जिसका टॉपिक है संघ की न्यायपालिका एवं उसकी शक्तियाँ संघीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और उसके पावर क्या हैं कैसे भारतीय संवैधानिक इस संवैधानिक विधि का जो मेरा फोर्टीन लेक्चर है इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संविधान के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय को संविधान संरक्षक के रूप में और नागरिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन कैसे नागरिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में संविधान संरक्षक के रूप में माना जाता है जैसा कि आप जानते होंगे भारतीय उच्चतम न्यायालय को संविधान की आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत नागरिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है संविधान के आर्टिकल बत्तीस एक में ही प्रावधान किया गया है कि नागरिक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में किसी भी नागरिक को उच्चतम न्यायालय में सीधे अपने अधिकार को परिवर्तन कराने का अधिकार होगा अर्थात संविधान के आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में वाद लाने का अधिकार यह संवैधानिक उपचार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है अर्थात कोई भी पीड़ित व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दिशा में बिना किसी न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में गए सीधे वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ये बात संविधान के आर्टिकल बत्तीस एक में कही गई है बत्तीस दो के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय नागरिक अधिकारों के भाग तीन द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई भी आदेश या निर्देश या बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश को वारंटो अधिकार परीक्षा प्रतिषेध रिट की याचिका के रूप में जारी कर सकता है स्किन के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया आप इसको अपने स्क्रीन पर देखें कि संघ की न्यायपालिका एवं उसके पावर्स क्या क्या दिए गए हैं संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या है संविधान के आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत मैंने नीचे लिखा है स्क्रीन पर आप देखें उच्चतम न्यायालय नागरिक अधिकारों का, का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय के रूप में कार्य करेगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कैसे उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारता न्यायालय के रूप में कैसे कार्य करेगा और अपीलीय अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट अपीलेय कोर्ट है और एस एल पी मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पर आर्टिकल वन थर्टी सिक्स आप सभी जानते होंगे एस एल पी का है अपीली अधिकारिता के रूप में मैंने आगे अपनी स्लाइड में आप बताने का प्रयास किया है सिविल और क्रिमिनल मामलों में अपील के क्या प्रावधान हैं अब इस एक इन्फार्मेशन जो स्लाइड में आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है अगर आप इसी को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्योडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं संविधान में ये आपको स्लाइड के माध्यम से आप समझ पाएंगे अब आते हैं करके कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय आर्टिकल वन फोर ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत कैसे है आप सभी जानते हैं स्क्रीन के माध्यम से आप देखें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं अभिलेखी न्यायालय का मतलब है यहां पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखी न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसकी समस्त कार्रवाइयाँ और निर्णय लेखबद्ध हों लिखित होना आवश्यक है पहला रिक्वायरमेंट और अभिलेखी न्यायालय के लिए दूसरी जो सबसे रिक्वायरमेंट है वह है कोर्ट ऑफ कंटेम्ट न्यायालय उस न्यायालय के अपने निर्णय को लागू करने के लिए यदि उसके यदि उसके निर्णय की कोई अव्यव अवमानना कर रहा है कंटेम्प्ट कर रहा है तो कंटेमनर को पनिशमेंट दंड देने की पावर ऐसे कोर्ट को होनी चाहिए यदि किसी भी ऐसे कोर्ट को दो पावर दी गई है कि कोई भी किसी भी ऐसे न्यायालय को हम अभिलेखी न्यायालय कहेंगे जिस न्यायालय के निर्णय और कार्रवाइयाँ प्रोसीडिंग्स लिखित हों लेखबद्ध हों और उस कोर्ट को पनिशमेंट देने की पावर हो कंटेमनर को उसे हम अभिलेखी न्यायालय कहेंगे जैसा की जानते होंगे उच्चतम न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 129 के अंतर्गत अभिलेखी न्यायालय बोलते हैं और 219 के तहत संविधान के आर्टिकल 219 मैं में अगर स्क्रीन पर आपको लिखी तो आप देखें 219 के अंतर्गत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की संज्ञा दी जाती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेखी न्यायालय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी अभिलेखी न्यायालय है आर्टिकल 219 के अंतर्गत ये इसको यहाँ पे मैंने केवल इसलिए लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही तो हाई कोर्ट का कंपरेटिव आप अध्ययन करते चलें मैंने जैसा कि आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल वन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अभिलेखी न्यायालय है क्योंकि इसकी समस्त सुप्रीम कोर्ट की समस्त प्रोसीडिंग्स और जजमेंट लेखबद्ध होते हैं लिखित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अपने न्याय अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए वह उसके निर्णय की यदि कोई अवमानना करता है तो कंटेनर को दंड देने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट रखता है सबसे महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट का है आप स्क्रीन पर देखें 1995 बिनय चंद मिश्रा केस ए आई आर है इन रेफरेंस टू है इस केस के फैक्ट को मैं बताऊं कि इस मामले में बिनय चंद मिश्र इलाहाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे परंतु इनके विरुद्ध आ, हाई कोर्ट में ही कंटेम का मामला चला कि इन्होंने उच्च न्यायालय में ही आ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध इन्होंने कोई आपत्तिजनक कृत्य करने के आरोप में इनको हाई कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से डिबार कर दिया गया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा गया कि इस पर एक्शन लें इनको एडवोकेट के रूप में कार्य करने से रोक दिया जाए चूँकि हाई कोर्ट के जज के कंटेंट का मामला था मामला सुप्रीम कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए संदर्भित किया गया भेजा गया कि क्या इस मामले में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट यह कोर्ट अपने ही समक्ष मामले में किसी भी एडवोकेट को कंटेम कर सकती है अवमानना में दंडित कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंतर्गत यह निर्णय किया कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसे किसी भी एडवोकेट को जो हाई ने न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय की अवमानना करता है उसको दंडित करना यह हाई कोर्ट के पास पावर है और अपने किसी भी निर्णय को या अपने समझ हुए किसी भी मानहानि को हाई कोर्ट कंटेमनर को पनिशमेंट कर सकता है सेकेंड स्लाइड को आप देखें आरंभिक अधिकारता मैंने लिखा है आरंभिक ने सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारता वाला न्यायालय कहा जाता है कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जोडिक्शन आर्टिकल वन के अंतर्गत एक कैसे है आरंभिक अधिकारता न्यायालय आर्टिकल वन थर्टी वन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को किन किन मामलों में मिली गई है आप इसको स्लाइड पर देखें स्क्रीन पर संघ राज्यों के मध्य विवाद होने पर मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होने पर दो राज्यों के मध्य विवाद या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होने पर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के केस में संघ राज्य के मध्य यदि विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान के आर्टिकल वन थर्टी वन के अंतर्गत आरंभिक अधिकारिता रखता है अर्थात पीड़ित पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर के जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टिया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हुए पक्षकारों के प्रति न्याय कर सकती है हम जिसे आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय की संज्ञा देते हैं अपीली न्यायालय नहीं है अर्थात इन मामलों में संविधान के आर्टिकल एक सौ इकतीस उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि सुप्रीम कोर्ट संघ राज्य में विवाद होने पर राज्य दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद होने पर मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है पीड़ित पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है तो ये तीन परिस्थितियां मैंने आपको बताई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक अधिकारता वाला न्यायालय माना जाता है कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ आई आर आप इसको देखें कावेरी जल विवाद मामले को सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता के रूप में देखें मैंने स्क्रीन पर सबसे नीचे लिखा हुआ है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक सुप्रीम कोर्ट ने आरंभिक अधिकारिता आर्टिकल वन थर्टी वन के तहत मामले को डिसाइड किया अब कैसे राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के तथ्य को थोड़ा सा यहाँ ध्यान में व्यक्त करना चाहूँगा वर्ष 1977 में आप देखें और राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य तथा अन्य राज्य में जिन राज्यों में चुनाव के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने संसदीय निर्वाचन में उसके उम्मीदवार बुरी तरह से हारे हुए थे मात्र इस आधार पर केंद्र में 1977 में जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार पदासीन होती है और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश उत्तर उन राज्यों में जिसमें कांग्रेस के कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाए थे एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया था उन राज्य की सरकारों को बर्खास्त करते हुए आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू कर दिया गया और यह तर्क दिया गया कि इस निर्वाचन में चूँकि इन राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसी संबंधित राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हुआ है इसका केवल और केवल अर्थ है कि वहाँ की जनता ने इस सरकार वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास खो दिया है अर्थात जनता का विश्वास खो देने से अब वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वे भी उसी दल से शासित हैं इसका मतलब है कि उस राज्य की सरकार में भी जन वहाँ की जनता ने अपना विश्वास खो दिया है इसलिए इन राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी गई राजस्थान में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल तीन को लागू करते हुए राज्य की सरकार को केंद्र के अधीन कर दिया गया और राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राजस्थान संविधान के आर्टिकल एक के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जबकि संसदीय चुनाव में लोकसभा के चुनाव में यदि किसी भी दल को दल का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता और वहाँ पहले ही से ज, निर्वाचित राज्य सरकार चल रही है लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार चल रही है क्या उस सरकार को इस आधार पर बर्खास्त करना कि लोकसभा के चुनाव में उस दल का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ यह कोई एक सम्मत आधार हो सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नाइन्टीन नाइन्टी में यह अन्य किया गया कि आर्टिकल तीन का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य की सरकार को बर्खास्त करना यह इस आधार पर कि उस संबंधित राज्य में कोई प्रत्याशी किसी दल विशेष का निर्वाचित नहीं हुआ यह उचित आधार नहीं माना जा सकता है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण केस इसलिए यहाँ पर है कि आरंभिक अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल एक के तहत राजस्थान राज्य को अनुमति प्रदान की और सुनवाई इसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि 1977 में उन लगभग सात राज्यों में जहां पे कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी मात्र साधारण आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि वहां पे इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था और 1980 में जब पुनः कांग्रेस पार्टी दो तो तिहाई बहुमत से जीत के आती है उसमें इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से सत्तासीन होती हैं तो उन्होंने भी उसी आधारों पर लगभग सात राज्यों में आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू करते हुए राष्ट्र शासन लागू की जिन राज्यों में पहले वहाँ पे भारतीय जनता जनता पार्टी की सरकार थी तो आप देखें किस प्रकार से ये तो दुरुपयोग हुआ आर्टिकल तीन सौ छप्पन वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है इसको एक साथ देखने का प्रयास करें कि आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन के अंतर्गत आरंभिक अधिकारिता में सुप्रीम कोर्ट किन किन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है अब देखते हैं संविधान के आर्टिकल 32 और जनहित वाद जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में देखें मैंने इसको स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि संविधान के आर्टिकल 32 और पीआईएल कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य किया है पहला देखें इस स्क्रीन पर ही आर्टिकल बत्तीस दो के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश या रिटें जो पांच प्रकार की रिट हैं है कॉर्पस हैारी उन नागरिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय कोई भी रिट आद, कोई भी आदेश निर्देश या रिट जारी कर सकता है मैंने रिट में आपको लिखा है यहाँ पे परमादेश अधिकार पीछा प्रतिषेध उत्पेषण अब कैसे संविधान के आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया भोजन का अधिकार राइट टू फूड पी यू सी एल वर्षे यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर टू थाउजेंड टू राइट टू सेल्टर आश्रय का अधिकार मैंने कृषि नीचे स्लाइड पे लिखा है शैमेदी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एम एस हाउसकॉड वर्ष स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रतिकर का अधिकार नीलावती बेहरा वर्ष स्टेट ऑफ उड़ीसा अब केवल मैं इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जनहित याचिका वाद को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धन व्यक्तियों को एक शासन शासन पक्ष से लड़ने का एक मजबूत प्रभावी हथियार के रूप में विकसित किया जिससे कि निर्धन व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उनकी तरफ से उनकी ओर से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनहित में विश्वास रखता है जनहित में के लिए कार्य करता है वह निर्धन व्यक्तियों के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे आर्टिकल बत्तीस बत्तीस के अंतर्गत उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे आ सकता है और आप देखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा यदि व्यक्ति निर्धन व्यक्ति गरीब निर्धन गरीब व्यक्ति उसकी भौक से मौत हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में राइट टू फूड को भोजन के अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया आश्रय के अधिकार को राइट टू सेल्टर कि राइट टू सेल्टर ए फंडामेंटल राइट है ये भी जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है इसको राइट टू सेल्टर को रिकॉग्नाइज किया गया निर्धन व्यक्ति अगर निर्धनता के कारण न्याय से वंचित है तो उसको निःशुल्क न्याय उपलब्ध करनी चाहिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम एस हाउसॉर्ड वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस में पहली बार कहा गया ये निर्णय दिया गया और राइट right टू कंपनसेशन नीलावती बेहरा वर्ष स्टेट ऑफ उड़ीसा की केस में जहाँ पे कस्टोडियल डेथ हो रही है पुलिस अभिरक्षा में किसी की मौत हो जा रही है तो ऐसी स्थिति में मृतक परिवार के सदस्य को ऐसे पुलिस अधिकारियों लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न केवल आपराधिक कार्रवाई करने का अधिकार है बल्कि कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार भी उसका मौलिक अधिकार है यह माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नाइनटीन में नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में नित किया गया तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि आर्टिकल थर्टी टू बत्तीस के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट जो भी भाग तीन के अंतर्गत समानता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, का उल्लंघन हो रहा है ऐसी तो स्थिति में ऐसा पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है और जनहित वाद के माध्यम से भी उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनते हुए निर्धन व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध करने का प्रयास आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत किया है इन केस के माध्यम से आप देख सकते हैं अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्लाइड पर देखें सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता अपीलेट सुप्रीम कोर्ट को अपीली न्यायालय माना जाता है अपीलेट कोर्ट अपीलेट कोर्ट के रूप में संविधान के आर्टिकल वन थर्टी टू के अंतर्गत अपील संवैधानिक अपील सिविल मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे होगी कब होगी ये आर्टिकल वन थर्टी फोर में दिया गया है और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय को लगता है कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तो उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी पीड़ित पक्षकार को विशेष अनुमति दे सकता है अपने समक्ष अपील करने के लिए जिसको हम विशेष अनुमति से अपील की संज्ञा आर्टिकल 136 करते हैं इसको हम स्पेशल इस लीव पेटिशन बोलते हैं पॉपुलर दि, दि, दिस इज पॉपुलरली नोन एज एस एल पी स्पेशल लीव पेटिशन विशेष अनुमति याचिका अब इसको एक एक करके देखेंगे कि एस क्या है और संवैधानिक मामलों में अपील क्या है आपको तीन मैंने चीज़ें इसमें मुख्तार हाईलाइट करने का प्रयास किया संवैधानिक अपील सम जब संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्वलित हो तो ऐसे किसी मामले को उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल एक सौ बत्तीस के अंतर्गत चुनौती दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में जिसमें संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न जुड़ा है उससे संविधान की व्याख्या कर सकता है दूसरा है सिविल मामलों में अपील मैं स्किन के माध्यम से इसको अगर समझाने का प्रयास करूं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में अपील होती है तो इसको एरो के माध्यम से देखें कि मैं अगर यहाँ पे बता नीचे एक लिखूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने लिखा है इंग्लिश में ही समझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला जाएगा हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सत्र न्यायालय अगर हमें आपराधिक मामलों में करें और हाई कोर्ट से अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में जिला सत्र न्यायालय जो जिले स्तर का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय है अगर आपराधिक न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड से कोई अभियुक्त संतुष्ट नहीं है तो अभियुक्त अपने उस मामले को हाई कोर्ट में अपील कर सकता है हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आपराधिक मामले या सिविल मामलों में यदि ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है अपीली न्यायालय होने के नाते कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है जब तक कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हुआ हो केवल एक कंडीशन है जब राइट वायलेशन अधिकार के उल्लंघन की, की स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वह केवल और केवल एक आधार है वह फंडामेंटल राइट का वायलेशन संविधान के भाग तीन में प्रावधानित मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अन्यथा सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकता है वह अपील में जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि कैसे अपील आपराधिक मामलों में होगी सिविल मामलों में होगी अब सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 134 थर्टी फोर ये कहती है कि आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील कब होगी जब उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ किसी सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक मामले को अपने पास मांगा के और उसमें अभियुक्त को दोषी सिद्ध करते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाए आदेश पारित करता है तो उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जिसमें डेथ सेंटेंस डेथ पेनाल्टी इंपोज किया हाई कोर्ट ने उस डेथ सेंटेंस के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है दूसरी बात जब कोर्ट के द्वारा कोर्ट में अपील की गई हो और हाई कोर्ट ने दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्धि में कन्वर्ट कर दिया हो दोष मुक्ति के आदेश को मृत्युदंड आदेश में डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त उस अपने डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है तो ये आर्टिकल 134 के अंतर्गत हो गई संविधान के आर्टिकल 134 और सीआरपीसी का सेक्शन 374 -से हमेशा सा एक साथ पढ़ा जाता है जैसा कि मैंने पहले के व्याख्यान में भी बताया है कि दोनों प्रावधानों को पढ़ने का एक तरीका है अब जहां पे मैंने जैसा कि बताया कि सिविल मामलों में भी अपील का प्रावधान दिया गया संविधान के आर्टिकल एक के, के अंतर्गत आपराधिक मामलों में अपील का प्रावधान दिया गया संविधान के आर्टिकल वन के, के अंतर्गत इन दोनों के अतिरिक्त यदि पीड़ित को लगता है कि उसमें हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत विशेष अनुमति से याचिका स्वीकार कर सकती है विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करते हुए पक्षकार के प्रति न्याय कर सकती है आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत एस फाइल हो सकता है अच्छा अब ये देखते हैं कि एस एल पी ये ये तो अपीलेट पावर हो गया सुप्रीम कोर्ट के अब आते हैं कि आर्टिकल 136 और अग्रिम जमानत क्या है कैसे संविधान के आर्टिकल 136 और आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आप देखें संविधान के आर्टिकल 136 में जो लिखा हुआ है बेरेक्ट मिस्किन पर देखें भारत में स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील स्वीकार कर सकता है न्यायाधिकरण से तात्पर्य यहाँ पे ट्रिब्यूनल से है ट्रिब्यूनल अगर मैं इस पर लिखूँ ट्रिब्यूनल न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल वन में अपील स्वीकार कर सकता है और ये सेक्शन फोर थर्टी और नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर टू थाउजेंड फोर्टीन इस केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे एंटीसिपेटरी बेल में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत एक नया रूल प्रतिपादित किया है इसके पहले व्याख्यान में जब मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि सेक्शन 438 के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल के लिए पहला जो कोर्ट है वह है सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में व्यक्ति को जाना है सेशन कोर्ट से यदि कोई उसको राहत नहीं मिली फोर थर्टी एट के अंतर्गत तो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट में एंटिसपेटरी बेल के लिए आता है यदि हाई कोर्ट से भी एंटिस्पेटरी बेल नहीं होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में सामान्यतः आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत ही आता है क्योंकि उसके सारे जब रास्ते बंद हैं न्याय के तो न्याय का दरवाजा केवल और केवल संविधान एक प्रावधान करता है आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंतर्गत बेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है व्यक्ति के राइट टू लाइफ को जीने के अधिकार से गिरफ्तारी अरेस्ट व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए जब किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसे किसी संघेय अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है किसी संघे और जमानती मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र न्यायालय में या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय यदि अग्रिम जमानत के आधारों से संतुष्ट है तो ऐसे व्यक्ति को सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकता है कि गिरफ्तारी की दशा में उसे तत्काल छोड़ दिया जाए जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस के, के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है नो पर्सन शैल बी डिप्राइब ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वित द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रावधान किया गया है आप ये देखें कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे अगर अनवांटेड अरेस्ट है गिरफ्तारी अवैध है तो उसके संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन माना जाएगा और ये अरनेश कुमार व स्टेट ऑफ बिहार के केस में जैसा कि मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया है कि एंटीसिपेटरी बेल से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट केस आ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था जिसमें कि अरनेश कुमार नाम का एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा अगर मैं इसको संक्षेप में ही पर लिख दूँ कि आईपीसी की धारा जो है फोर नाइन्टी एट ए क्रूरता जो क्रूरता का प्रावधान करती है और दहेज प्रतिषेध डाउरिया प्रिवेंशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन के अंतर्गत इसके खिलाफ आ, आ, एक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया था इसकी पत्नी के द्वारा कि अरनेश कुमार पति वह अवैध इलीगल डिमांड करता है दहेज की मांग करता है और पत्नी को घर से निकाल दिया क्रूरता करता है चूंकि क्रुएल्टी इसमें जो धारा है वह आईपीसी के अंतर्गत संघीय अपराध है और अजमानती अपराध है ऐसी स्थिति में पुलिस कभी भी बिना वारंट के बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है अरनेश कुमार व्यथित होकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करता है परंतु तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती अब देखें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में न केवल अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया कि इस उसे इस उसे संबंधित मामले मामले में जब तक अंतिम रूप से मामले का निस्तारण न हो जाए तब तक इसको गिरफ्तार अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और इस सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा अवसर प्राप्त था इस रणेश कुमार केस में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिया कि सामान्यतः जो सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध है उसमें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए पुलिस के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे सभी अपराध जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं उसमें तब तक गिरफ्तार न किया जाए जब तक कि पुलिस को यह आंदेशा न हो कि गिरफ्तार न करने से अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग नहीं कर रहा है या धारा इकतालीस क के अंतर्गत जो टर्म ऑफ नोटिस है उस नोटिस अप नोटिस फॉर अपियरेंस है कि पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए पहले नोटिस सर्व किया जाएगा और धारा इकतालीस के अंतर्गत जो नाइन चेकवाइस नाइन चेकलिस दी गई हैं कि सेक्शन फोर्टी के अंतर्गत जो नौ आधार हैं कि किसी भी अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के कब गिरफ्तार पुलिस कर सकती है यदि वही स्थितियाँ नहीं हैं तो किसी भी अभियुक्त को मात्र उसके विरुद्ध संघेय अपराध और अजमानती अपराध की एफ आई आर कर देना केवल और केवल तब जब वे सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि सभी संघीय मामलों और अजमानती मामलों में यह प्रोटेक्शन लागू नहीं है केवल वही अपराध जो सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है उन अपराधों में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश बिना न्यायालय के वारंट अभिद को गिरफ्तार नहीं कर सकती है इस निर्णय को दिशा निर्देश को और प्रभावी बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसी दिशा निर्देश में निर्णय दे दिया इसी अर्श कुमार गाइडलाइन में कि उच्चत जब तक इस पर कानून नहीं बन जाता तब तक उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की अवहेलना करना यह उच्चतम न्यायालय का अवमानना माना जाएगा कंटेम्प्ट कोर्ट माना जाएगा और ऐसे किसी भी अरेस्टिंग ऑफिसर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकेगी तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि कैसे ये इस, सेल्फी विशेष अनुमति याचिका और एंटीसिपेटरी बेल को जोड़ करके आप आर्टिकल इक्कीस के साथ इसको पढ़ सकते हैं और उच्चतम न्यायालय की जो विशेष अनुमति याचिका है वह अग्रिम जमानत में सी आर पी सी के धारा चार सौ अड़सठ के अंतर्गत कैसे यह इंटरकनेक्टेड है तो पूरा इससे संबंधित कानून आप अब सुप्रीम कोर्ट के इसके पश्चात आते हैं कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता मैंने देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जोडिक्शन ये एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है संविधान में प्रावधान क्या है दिया हुआ मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है और इसको स्क्रीन पर मैंने दो केस लिखा है अयोध्या मामला लिखा है इंद्री अयोध्या केस 1994 सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और दूसरा दिया है इंद्री स्पेशल कोर्ट बिल नाइनटीन के अंतर्गत अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी अधिकारिता है आर्टिकल वन के अंतर्गत वो वास्तव में है क्या तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी प्रश्न किसी विषय पर जिस पर लॉ क्लियर नहीं हो जिस पर विधि स्पष्ट न हो उस विषय पर विधिक राय के लिए भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के लिए उस उच्चतम न्यायालय से विधिक राय के लिए उस विषय को सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित कर सकता है रेफर कर सकता है इसको हम साधारण भाषा में पॉपुलर लैंग्वेज में रेफरेंस बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रेफरेंस भेजा गया है उस मामले में निर्णय देने के लिए विधिक राय के लिए भेजा गया है तो संविधान का जो ये आर्टिकल 143 है यह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार शक्ति प्रदान करता है कि वह उसके समक्ष जो कोई भी प्रश्न कैबिनेट के द्वारा लाया जाता है जिस पर विधिक राय विधिक प्रावधान स्पष्ट नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति उस विषय पर विधिक राय के लिए उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री के अंतर्गत मामले को रेफर कर सकता है अब प्रश्न इस पर यह सबसे महत्वपूर्ण मामला यह अयोध्या केस मैंने देखिए उस पर लिखा हुआ स्क्रीन पे कि इन री अयोध्या केस 1994 नाइन्टी इंद्री अयोध्या केस इसको इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ या 1993 केस के रूप में भी जानते हैं अब अयोध्या मामले को कैसे मान्य सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए संदर्भित किया गया अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से विधिक राय के लिए आर्टिकल 143 के अंतर्गत अयोध्या मामले को रेफर किया गया कि उच्चतम न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे गए राष्ट्रपति ने विधिक राय मांगी कि क्या अयोध्या में उस स्थान पर जहां पे दो पक्षकार हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार के द्वारा दावा किया जा रहा है क्या उस स्थान पर मंदिर था या मस्जिद था इसके विषय में उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे दूसरा क्या मस्जिद में नमाज करना इस्लाम का आवश्यक तत्व तो है क्या आ, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 के अंतर्गत उन प्रश्नों पर राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है दे। अब देखिए जब अयोध्या मामले को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को विधिक राय के लिए भेजा गया तो उच्चतम न्यायालय ने जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत निर्णय दिया वो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या मामले से अपने को दूर रखते हुए निर्णित किया कि चूँकि यह मामला संदर्भित मामला पूर्णतः राजनीतिक प्रतीत होता है और सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक प्रश्नों पर सलाह देने के लिए आर्टिकल एक के अंतर्गत बाध्य नहीं है दूसरा संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी प्रश्न पर राय देने विधिक राय देने के लिए भारत के राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है दूसरा फिर महत्वपूर्ण एक केस आया था जो स्लाइड पर देखें एक केस इनरी स्पेशल कोर्ट बिल नाइनटीन इस पे 1978 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया था कि स्पेशल कोर्ट बिल बना पार्लियामेंट ने पास किया कि कुछ मामले हैं जो स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्रायल किए जाएंगे क्या संसद को स्पेशल इस कोर्ट इस्टेब्लिश करने की पावर है जब हमारे पास सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट हैं तो हाई कोर्ट से पैरल कोई कोर्ट जो है पार्लियामेंट बना सकती है तो संसद के द्वारा विशेष न्यायालय गठित करने की पावर को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद कोई भी विशेष आपराधिक मामले को विचारण करने के लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए शीघ्रतर विचारण करने के लिए शीघ्रतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकता है और वह संवैधानिक है तो हम ये समझ पाए कि आर्टिकल वन फोर्टी थ्री के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट कब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जा सकती है जब भारत के राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विषय पर कोई विधि स्पष्ट नहीं है या उसके संज्ञान में कोई ऐसा प्रश्न लाया जाता है यहाँ पे आप ये भेजें कि जो राष्ट्रपति को कोई प्रश्न उसके संज्ञान में लाया जाता है इसका तात्पर्य हुआ कि कैबिनेट के द्वारा अगर राष्ट्रपति को संसूचित किया जाता है कि इस विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल वन के अंतर्गत उस मामले पर विधिक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं तो ये मैंने आपको बताया कि सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति कैसे राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अब आते हैं इसके पश्चात दूसरे स्क्रीन को देखें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्य कर रहे हैं। एक संविधान के आर्टिकल 141 फोर्टी वन के अंतर्गत ही हमने देखिए लिखा है लेफ्ट साइड में पूर्व निर्णय का सिद्धांत और इसमें हमने केस लिखा बंगाल यूनिटी कंपनी वसेष स्टेट ऑफ बिहार गोलकनाथ वर्ष स्टेट ऑफ पंजाब केशवान भारती वर्षेष स्टेट ऑफ केरला या, या नाइनटीन सेवेंटी अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाधेकर होंगे प्राय प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है तो संविधान की आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद एक सौ में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित सभी विधियां भारत में स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर होती हैं तो यह जो संविधान का आर्टिकल वन सिक्सटी है यह जुडिशियल प्रेसिडेंट को के कॉन्सेप्ट को प्रावधानित करता है अर्थात लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाधिकर होता है कोई भी अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से निर्णय के विपरीत नहीं जा सकता है अब इसमें दो ओ, महत्वपूर्ण निर्णय मैं इसमें कोर्ट करना चाहूँगा अगर मैं इसको स्क्रीन पर ही लिखूं, तो आप ये देखें पी रतिनम पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर नाइन्टी फोर सुप्रीम कोर्ट एक केस ये है और दूसरा है ज्ञान ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब ज्ञान कौर के केस रत्नम दोनों को केस को आप देखें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट और संविधान के आर्ट के लिए एक से संबंधित पूरा लॉ पूरा कानून आपको स्पष्ट हो जाएगा संविधान के आर्टिकल वन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया जैसा कि मैंने आपको बताया अब पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इन इनको राइट टू डाई जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है और कोई भी व्यक्ति जो मरना चाहता है उसको विवश उसको जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू तो लाइफ गारंटीड बाय आर्टिकल ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई और सेक्शन थ्री जीरो नाइन आई पी सी जो सम, जो भारतीय जनसंहिता की धारा तीन सौ नौ है जो आत्महत्या को दंडनीय बनाती है वह असंवैधानिक है अब आप देखिए बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण जो है डिसीजन आया कैसे कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई and a person who has decided not to live in this holy world is free to commit suicide. State has no authority to compel a person to live in all adversities. किसी भी व्यक्ति को हर विषम परिस्थिति में जीने जीवित रहने के लिए राज्य विवश नहीं कर सकता है अब यह कह देना कि जीने के अधिकार में जो आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत राइट टू लाइफ है जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी सम्मिलित है और मरने को जो दंडनी बनाया गया है कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है आत्महत्या करने का प्रयत्न वो दंडनीय है यह असंवैधानिक है आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन करता है कैसे उल्लंघन करता है आप उसको उस केस के माध्यम से आप देख रहे हैं मैंने केवल आपको ये बताने का प्रयास किया कि 141 के अंतर्गत जो आ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भारत के अधीनस्थ न्यायालयों पर कैसे बाध्यकारी होते हैं उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था अब जब जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है और सेक्शन 309 जीरो आईपीसी वो असंवैधानिक है अब इस मामले को आप देखें जब इसका आलोचना होने लगी लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को तो 1996 में ज्ञान कौर व स्टेट ऑफ बिहार या आई 1996 में सुप्रीम कोर्ट अपने इस प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स प्रीवियस जजमेंट एंड हेल्ड दैट कि राइट टू लाइफ डजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई एंड सेक्शन 309 जीरो नाइन आई पी सी इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि जो आई पी सी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 है जो आत्महत्या को दंडनीय बनाती है वह असंवैधानिक है और एक कैसे मतलब पी रत्नम की केस में ज्ञान कौर की केस में जैसे जुडिशियल डेविएशन थोड़ा सा आया वे कौन सी परिस्थितियां थी जब 96 में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं होना चाहिए इसका दुरुपयोग हो सकता है भारत जैसे देश में तो अपने प्रीवियस जजमेंट को ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया अब आप ये सोचिए जब 94 में कहा कि राइट टू लाइफ इनक्लूड राइट टू लाइफ आल्सो आउसू राइट टू डाई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकर हैं तो जानते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट कि इस मामले में ऐसा सुसाइड नहीं होना चाहिए लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुसाइड वह असंवैधानिक है और सुसाइड से संबंधित जो भी मामले 94 में हुए होंगे 95 में हुए होंगे 96 तक हुए होंगे उसमें राइट उसमें सुसाइड जो हुए होंगे आत्महत्या जो हुए होंगे उस आत्महत्या के प्रयत्न को अपराध नहीं माना गया होगा और जब आत्महत्या के प्रयत्न को अपराध नहीं माना गया होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधियाँ अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाधकर हैं तो इसका भारतीय भारतीय भारत जैसे देश में इस निर्णय का कितना दुर्गामी प्रभाव पड़ा होगा दो तीन सालों में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट की गंभीरता को समझते हुए 96 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है और सेक्शन 309 जो आईपीसी है जो आत्महत्या को दंडनीय बनाती है वह संवैधानिक है पहले रत्नम केस में कहा था कि वो संवैधानिक नहीं है क्यों क्योंकि व्यक्ति को हर परिस्थिति में जीने को मजबूर करती है और आत्महत्या अगर कोई करना चाहता है तो करने दो एलाउ किया जाए उसको 96 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है तो हम देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अपने ही निर्णय अपन वो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भारत में अधीनस्थ न्यायालयों पर जो निचली कोर्ट हैं उन पर बाध्यकारी बल लगता है प्रभावकारी बल लगता है अब इसको स्लाइड पर देखें मैं ये स्क्रीन पर देखें मैंने राइट साइड में कुछ केस लिखा है जिस केस के माध्यम से बताने का प्रयास प्रयास करेंगे करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के समझ खुद ही यह प्रश्न आ गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से मानने के लिए बाध्य है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी इंडिया में सारे सबारे कोर्ट पर बाध्यकारी तो है इस प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को मानने के लिए बाध्य है यह पहला प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप देखें स्क्रीन पर बंगाल यूनिटी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए या आई आर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया इस बंगाल यूनिटी कंपनी केस में जो मुख्य विचारणी प्रश्न था उच्चतम न्यायालय के समक्ष वो था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकती है बदल सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्य कर है हाई कोर्ट बाध्य है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाध्य हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बाध्य नहीं है यह नाइनटीन में ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल यूनिटी कंपनी केस में निर्णय दे दिया था अब इसका उदाहरण जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपने निर्णय को मानने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है इसको दो और उदाहरण के माध्यम से दो और केस के माध्यम से समझें स्क्रीन पर देखें मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा है एक केस है गोलकनाथ वर्ष स्टेट ऑफ पंजाब ए आई आर सुप्रीम कोर्ट जिसमें ग्यारह न्यायाधीशों के द्वारा ये मामला डिसाइड किया गया तो छः सिक्स फाइव की और डिसेंट है छः बहुमत में है और पाँच अल्पमत में है दूसरा केस है केशवंद भारती बनाम केरल राज्य तेरह न्यायाधीश हैं और ए आई आर नाइनटीन का केस आप देखें कि गोलकनाथ मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने डिसाइड किया केशवंद भारती में तेरह न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट के थर्टीन जजेज बेंच ने डिसाइड किया और अब ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी नैन न्यायालयों पर बाधिकर होता है कैसे कि गोलकनाथ की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है तो वह सभी न्यायालयों पर बाधिकर है 1973 में ठीक अपने पहले जजमेंट गोलकनाथ केस को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो राइट पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट पावर भी है संशोधन करने का पावर भी है और प्रोसीजर दोनों दिया गया है इन दो केस को देखें दो केस को देख के लगता है कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था और केसन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ की जजमेंट को ओवर रूल बदल दिया और ये तभी संभव था जब वह ग्यारह न्यायाधीशों की बात को बड़ी पीठ के द्वारा तेरह न्यायाधीश फिफ्टी न्यायाधीश के द्वारा अगर उसको ओवर रूल किया जाए अतः ध्यान में डिस्कस रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के थर्टीन जजेज ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड ऑल द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाधिकारी निर्णय है वन फोर्टी वन के अंतर्गत अब इसको एक बार अगर पुनः प्रारंभ से देखें मैंने बताया था कि जो संघ की न्यायपालिका उसके पावर कहाँ कहाँ हैं मैंने अभिलेखी न्यायालय को बताया आर्टन ट्वेंटी नाइन के अंतर्गत आरंभिक अधिकारता वन थर्टी वन अपीलीय अधिकारता एस एल पी वन थर्टी सिक्स अब इसमें मैंने आपको इंद्री विनयचंद मिश्र केस बताया आरंभिक अधिकारता वन एक सौ इकतीस संविधान की आर्टिकल वन थर्टी वन थर्टी टू मैंने बताया कि जनहित याचिका और आर्टिकल थर्टी टू में क्या संबंध है इसको मैंने बताने का प्रयास किया था अब देखिए संघ की न्यायपालिका के जो पावर हैं और राज्य की न्यायपालिका जो हाई कोर्ट के पावर हैं ऐसा देखने को मिलता है कि जो रीढ़ जोडिक्शन है रिट क्षेत्र आप देखिए मैंने लिखा है आर्टिकल थर्टी टू और जनहित याचिकावाद तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट अंडर थ्रू टू के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए कोई भी आदेश या रिटे जारी कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट को रिट मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है कैसे सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कैसे किस मामले में बड़ा हो सकता है तो आपको आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पावर से ज्यादा ज्यादा बड़ा जुड़ जो ज्यादा बृहद पावर दिया गया है हाई कोर्ट को कैसे संविधान के आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि ऑल द हाई कोर्ट सेल है पावर टू इशू एनी आर्डर आर डायरेक्शन और रिट्स इन द नेम ऑफ हाइबियस कार्पस मैंडमस को आर टू एम से फॉर वॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड एनी अदर राइट्स प्रोवाइडेड इन द स्टैचू अब एनी अदर वर्ड जो यूज किया गया संविधान के आर्टिकल 226 में वो दैट वर्ड वॉज डिलिबरेटली यूज इन दैट प्रोविज इन दैट आर्टिकल बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान निर्माताओं के द्वारा उस अनुच्छेद में जानबूझकर वो शब्दावली रखी गई क्या कि उच्च न्यायालय मूल अधिकार सहित किसी अन्य अधिकार में संशोधन कर सकता है अन्य किसी अधिकार का मतलब यहां पे जो भाग तीन में फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किए गए हैं जो संविधान के भाग तीन के अंतर्गत तो मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किए गए हैं अब देखिए कैसे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में कैसे जो डिक्शन को लेकर कैसे डिफरेंस है विथ रिगार्ड टू रिट रिट मामलों में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट को कैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एग्रीड व्यक्ति व्यथित पक्षकार मौलिक अधिकार के उल्लंघन में ही जा सकता है किसी लीगल राइट वॉलेशन में स्टेचुट्री राइट वाइलेशन में कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है जबकि हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार उल्लंघन की दशा में साथ ही साथ अन्य किसी भी अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई भी व्यक्ति सीधे वह हाई कोर्ट जा सकता है तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट right को तो एन्फोर्स करता ही करता है साथ ही साथ किसी लीगल राइट right को स्टैचुटरी राइट right को भी हाई कोर्ट रिट के माध्यम से वो एनफोर्स कराता है इसलिए आप ये देखें कि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर रखता है तो ये बात क्लियर हो गई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर मिला हुआ है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया रिट के मामलों में केवल उस शब्दावली जो यूज की गई आर्टिकल दो के अंतर्गत कि उच्च न्यायालय आर्टिकल दो के अंतर्गत किसी मूल अधिकार अथवा अन्य किसी विधिक अधिकार के वर्तन के लिए कोई भी आदेश निर्देश या रिटेन जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में केवल लिखा है आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है अर्थात अन्य किसी लीगल राइट वालेशन में अन्य किसी स्टैचुट्री राइट के वालेशन में कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है उसका कारण क्या है उसका कारण बहुत साधारण सा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बहुत सीमित है और इसलिए अगर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बंदिश नहीं लगाई गई होती तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, में तात्पर्य अधिकार जो स्टैच्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं रिकग्नाइज हैं और प्रोटेक्टेड हैं तो उस लीगल राइट के वायलेशन में भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या हैं और कुछ मामलों में हाई कोर्ट को पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से वो लीगल राइट वायलेशन के मामले में मैंने आपको बताया अब आते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के पावर जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पावर है जिसको हम प्रायः आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पे देखते हैं और एक उस जुडिशियल एक्टिविज़म के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को ऐसा कहा गया कि वह विधायिका के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 फोर्टी के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 142 दिया गया एक के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय दो पक्षकारों के मध्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट कदम उठा सकता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आर्टिकल केस के साथ जोड़ते हुए कि जब किसी ऐसे राज्य में एक समय में दो संवैधानिक दो मुख्यमंत्री हो जाएं तो एक प्रकार से संवैधानिक संकट का सामना हो सकता है तो संवैधानिक संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा के स्पीकर को डायरेक्शन दिया कि आप बहुमत का जो परीक्षण है वह सदन के भीतर कराएं और मुझको वह पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराएं तो ये माना गया कुछ लोगों ने इसकी आलोचना शुरू की कि ये तो विधायिका के क्षेत्र में या विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में न्यायालय का हस्तक्षेप है न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं था बल्कि संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय कटिबद्ध है संविधान में उसको संविधान संरक्षक के रूप में जाना जाता है इसलिए आर्टिकल 142 फोर्टी टू एक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पक्षकारों के मध्य न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वे कोई भी उचित कदम उठा सकता है तो ये आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये मैंने आपको बताया एक के अंतर्गत सलाहकारी अधिकारिता मैंने चर्चा करी दिया अब यह सुप्रीम कोर्ट का एक जो इम्पॉर्टेंट प्रावधान है संविधान के आर्टिकल एक सौ पैंतालीस है वन वह एक में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायालय के भीतर कार्रवाई के लिए इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए वे कोई भी नियम बना सकता है रूल्स रेगुलेशन बना सकता है अब संवैधानिक पीठ के समक्ष कोई मामला आता है तो संवैधानिक पीठ का प्रावधान संविधान के आर्टिकल एक में ही किया गया है कि संविधान पीठ से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम पाँच न्यायाधीशों की गठित पीठ से है ये प्राय छात्र कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि संवैधानिक पीठ किसे माना जाए तो संवैधानिक पीठ की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब है कि वह संविधान में वह उच्चतम न्यायालय के कम से कम पांच न्यायाधीशों से गठित पीठ होगी तभी हम उसे संवैधानिक पीठ कहेंगे तो ये बात हो गई जितने भी संविधान में आप देखें महत्वपूर्ण निर्णय हैं संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले होते हैं उसमें न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या पांच रखी जाती है पांच फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन विषम संख्या जिससे कि पांच रहेंगे तीन दो का जजमेंट आएगा चार एक का आएगा लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ढाई ढाई या दो दो का आए तो इसलिए प्रयास एक किया जाता है कि संविधान पीठ का निर्माण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों से गठित पीठ के द्वारा ही किया जाएगा तो मैंने आपको इस व्याख्यान के माध्यम से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकारी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किन किन मामलों में की गई सलाहकारी अधिकारिता का प्रभाव क्या है मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी निर्णय न्यायालयों पर बाधिकर होते हैं ए वन फोर्टी वन के अंतर्गत इसके प्रभाव को मैंने बताने का प्रयास किया केस मैंने बताने का पांच केस आप इसको देखें और इस सभी के डिटेल को आप देखेंगे मैंने बंगाल यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज केस को संकरी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ए आई आर को सज्जन सिंह बनाम पंजाब स्टेट ऑफ राजस्थान केस को बताने का प्रयास किया तो अब इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ की केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन हो सकता है ये ऐसे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट को के समक्ष ये संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले आए कि क्या संसद की संशोधन की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट में भी है या उसकी सीमा क्या होगी कि क्या सभी भाग में संशोधन हो सकता है या कुछ पार्लियामेंट पर लिमिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस 1973 में केशवान भारती में कहा कि संसद कुछ भी संशोधन कर ले लेकिन एक जो रूल है मैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड अब इस तरह से मैंने आपको 141 143 इकतालीस सलाहकारी अधिकारिता भी बताई सिविल मामलों और आपराधिक मामलों में अपील संबंधी प्रावधान आपको बताया कि कब सिविल मामलों में आपराधिक मामलों में अपील होगी एस विशेष जनहित याचिका आपको बताई कि वह रेजिड्यूरी पावर है उसे शक्तियाँ एस एल के अंतर्गत दी गई हैं एस का प्रयोग ब्रह्मास्त्र के रूप में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एस विशेष परिस्थितियों में ही न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ऐसे अभियुक्त या व्यक्ति को दे सकता है सिविल आपराधिक मामलों में जहाँ पर उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उस मामले में न्याय नहीं किया है तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी पक्षकार को पक्षकार की याचिका को स्वीकार कर सकता है और उसे एसएलपी ट्रीट कर सकता है विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है तो इस प्रकार से मैं आप मैंने पूरी अभिलेखी न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाला न्यायालय जनहित याचिकावाद सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारता और सलाहकारी अधिकारिता को विस्तार से बताने का प्रयास किया है और इसके पश्चात मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के पावर और जुडिशन से संबंधित कोई प्रश्न अछूता रह गया होगा इसके बावजूद भी समय समय पर आप इसको देखिए मैंने 143 से संबंधित सभी केस और भी सारे 143 के अंतर्गत भी बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को रिफरेंस के लिए भेजे गए हैं तो आप उसको देखेंगे केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली बार कैसे इंद्री स्पेशल कोर्ट बिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलाहकारी एडवाइजरी जुडिक्शन दिया फिर अयोध्या मामला इसका जुड़ंत उदाहरण है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी हैं ये आर्टिकल वन फोर्टी वन के अंतर्गत जुडिशियल प्रेजेंट पूर्व न्याय को प्रतिपादित किया गया है मैंने आर्टिकल वन फोर्टी वन से संबंधित पांच केस बताए हैं पांच केस आप उसको देखें इन पांच केस के अतिरिक्त भी मैंने रतिनम केस बताने का प्रयास किया कि जिससे कि आप सब सभी को एक से संबंधित समग्र जानकारी आपको हासिल हो जाए इसके इन पांच के अतिरिक्त मैंने दो केस और बताए थे जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य तो केवल सेक्शन वन फोर्टी वन पर धारा एक सौ इकतालीस पर सात केस हो गए सेवन केसेस अब इन सात केस को अगर आप आत्मसात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि धारा एक या वन से संबंधित आपको अतिरिक्त जानकारी लेनी पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह मैंने संघ की न्यायपालिका और उसके पावर को लेकर के विस्तार से चर्चा इस व्याख्यान के अंतर्गत किया है और जितने भी चाहे वह उच्चतम न्यायालय की आर्टिकल 32 के अंतर्गत नागरिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखा जाए वे कौन से बुनियादी अधिकार हैं बेसिक राइट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रोटी कपड़ा और मकान राइट टू फूड राइट टू के रूप में मान्यता प्रदान किया कि आर्टिकल इक्कीस का भाग है ब्लड बैंक की स्थिति को सुधारने के लिए आर्टिकल बत्तीस के, के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया मैंने आपको आर्टिकल थर्टी टू के, के अंतर्गत ये पहले ही बताया था जब मैं संवैधानिक अधिकारों के उपचार के लेक्चर की व्याख्यान उस व्याख्यान में कर रहा था तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ आर्टिकल बत्तीस जो है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करती है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात में मैंने वहाँ पे कॉमन कॉज बनाम भारत संघ की भी एक केस बताया था कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ की केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह निर्णित किया कि भारत में जो ब्लड बैंक की स्थिति बहुत ख़राब थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि जनहित याचिका ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए ब्लड बैंक के सुनिश्चित करें कि वो अच्छे वहाँ पे जो चिकित्सा विज्ञान में गुणवत्ता अनुरूप उसके मानक हैं उसको पूर्ण पूर्ण करना फुलफिल करने की जिम्मेदारी ब्लड बैंक की होगी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया था मैंने आपको कोर्ट ऑफ आप रिकार्ड आर्टिकल वन फोर्टी वन के अंतर्गत अभिलेखी न्यायालय के विषय में बताया कि अभिलेखी न्यायालय क्या है उस पर केस जो इंद्री विनय चंद मिश्रा या आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट के केस को मैंने बताया आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की किन मामलों में होगी संघी विवाद जब होते हैं सामान्यतः एक शब्द में अगर हम कहें तो संघीय विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल एक के अंतर्गत मामले का आरंभिक अधिकारिता के रूप में उस मामले का निस्तारण कर सकता है दूसरा महत्वपूर्ण इस पर निर्णय जो आया वो मैंने आपको राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ या आई आर उन्नीस सुप्रीम कोर्ट के रूप में बताया कि जिसमें संघात्मक विवाद को चुनौती दी गई थी आर्टिकल 356 लागू करने के राज्यपाल के डिस्किसन को चुनौती दी गई थी राजस्थान बनाम राज भारत संघ के मामले में तो इस रूप में इस तरह से मैंने पूरे पूरा प्रयास किया कि आप इस स्लाइड को देखें और पूरा समझने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसे ये तो यद्यप कि मैंने आर्टिकल 21 में कुछ राइट को बता दिया है लेकिन यहाँ पर चूंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पावर पावर की बात हो रही है तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि थर्टी टू के अंतर्गत जनहित के मामले को सुनिश्चित करने के लिए निर्धन व्यक्तियों को भोजन का अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदूषण मुक्त जल उपभोग करने का अधिकार ये सब प्रतिकर कंपनसेशन का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत मान्यता प्रदान किया गया है मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी इस आर्टिकल बत्तीस से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जुडिक्शन दिए गए हैं आ, मैंने मोटे मोटे आपको उस आर्टिकल उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपीली अधिकारिता एक सौ इकतीस बत्तीस तैंतीस थर्टी वन थर्टी फोर के रूप में विशेष अनुमति याचिका वन थर्टी सिक्स के रूप में और इनसे संबंधित आर्टिकल वन फोर्टी वन जो पूर्व न्याय है रेस है उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट सेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन ट्रेटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल वन फोर्टी वन को बताने का प्रयास किया सर जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकार क्षेत्राधिकार है आर्टिकल वन फोर्टी थ्री किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है किस मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है मैंने आर्टिकल वन फोर्टी थ्री के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता पर भी आपसे चर्चा किया है तो इस व्याख्यान के से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय न्यायपालिका के पावर उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सभी आत्मसात किए होंगे पूरी तरह से आपको इस समझ में आया होगा और इस व्याख्यान के साथ ही मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं निश्चित रूप से ये व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद होगा थैंक यू धन्यवाद